बॉलीवुड के खिलाड़ी और किंग खान के बीच होने वाली है बॉक्स ऑफिस पर जमकर टक्कर। जी हाँ, शाहरुख की रहनुमा और अक्षय की टॉयलेट एक प्रेम कथा के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। दोनों ही फिल्मों की रिलीजिंग डेट ट्विटर के जरिए पता चली है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने अपने अंदाज में इम्तियाज की फिल्म रहनुमा की रिलीजिंग डेट ट्वीट के जरिए अनाउंस की है। तो वहीं ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ये जानकारी ट्वीट करके दी कि टॉयलेट एक प्रेम कथा 11 अगस्त को रिलीज होगी। बता दें, अक्षय की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की रिलीजिंग डेट पोस्टपोन हो गई है। ये फिल्म अब 11 अगस्त को रिलीज होगी। पहले ये 2 जून को रिलीज होने वाली थी और साथ ही ये कहा जा रहा था जिस समय अक्षय कुमार ने फिल्म क्रैक के लिए मना किया था उस समय भी अक्षय और किंग खान की फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर होने वाली थी। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या इम्तियाज अली अपनी फिल्म की डेट बदलेंगे या बॉक्स ऑफिस पर जोरदार टक्कर के लिए तैयारी करेंगे। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।